राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आई औरैया जिले की एक युवती के साथ यहाँ के दो गार्डों ने जनरल वार्ड में गैंगरेप किया। युवती के चीखने पर तीमारदार पहुंच गए और दोनों गार्डों को पीट दिया। इस दौरान कोतवाली पुलिस भी पहुंची, लेकिन आरोपी गार्ड भाग निकले। युवती की तहरीर पर गार्डों के खिलाफ पुलिस ने गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज की है। औरैया जिले के विधुना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 21 वर्षीय युवती दोपहर मेडिकल कॉलेज में दवा लेने आई थी। करीब 1 बजे उसने ओपीडी में पर्चा बनवाया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब डॉक्टर नहीं मिले तो उसने मेडिकल कॉलेज परिसर में तैनात सुरक्षा गार्डों से जानकारी करनी चाहिए। इस पर दो सुरक्षा गार्डों ने उसे डॉक्टर की केबिन तक पहुंचाने के लिए अपने साथ चलने को कहा। युवती उनके साथ चल दी तो दोनों गार्ड उसे जनरल वार्ड की दूसरी मंजिल पर एक सुनसान कमरे में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। युवती के चीखने पर आसपास के तीमारदार कमरे के पास पहुंच गए और दरवाजा खुलवाया। वहां दोनों गार्ड युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। इस पर गुस्सा तीमारदारों ने गार्डों के चंगुल से युवती को बचाकर दोनों गार्डों की धुनाई कर दी। इस बीच भीड़ का फायदा उठाकर दोनों गार्ड भाग निकले। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर गैंगरेप के आरोपी सुरक्षा गार्ड संदीप कुमार व राम निवास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। हमने की राजस्थान बता दे, तुम कह दिया कि आई थी जाओ तुम आई थी। हमने की तो हाँ आई थी, जाओ मेरे मोबाइल वोबाइल पढ़ने को दे दो। मोबाइल पढ़ने दे दिया, मोबाइल पढ़ने दी कि आई थी रास्ते जाओ मैं आई थी। हमने कही थी तो तुमने कर तो लिया है, हमें बता दो रास्ता। हम कह दिया हमें क्या बता रहा है, तब रास्ता बताई हमको। तिरवा मेडिकल कॉलेज जनपद कन्नौज में एक बालिका है जो अपने कान का इलाज कराने आती थी। इसी दौरान किसी गार्ड से उसका परिचय हुआ, जिसके विश्वास में उसको ले जाना बताते हैं कि पीछे की तरफ ले गया और उसका दूसरा साथी भी आ गया। इस संबंध में पीड़िता की तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई का मुकदमा दर्ज हो गया है 376D सामूहिक रेप के संबंध में। अन्य कार्रवाई की जा रही है, उनका बयान लिया जा रहा है। बयान वीडियोग्राफी CO तिरवा जो महिला हैं उनके द्वारा ही सामने कराया गया है और पीड़िता का 164 का बयान भी न्यायालय में कराया जाएगा और जो अभियुक्त हैं उनकी भी तलाश पतरसी के लिए गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कितने लोग थे सर? 2 लोगों को बताया है, एक गार्ड है और उसका दूसरा साथी। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए कन्नौज से अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट।